हेलो, हाँ नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं सेशन देने के लिए, और अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मेरे फुल पहना है क्योंकि टैन नहीं होना, मेरे को सनस्क्रीन वगैरह भी अप्लाई किया है, सब रेडी रेडी। तो अभी जाते हैं जल्दी जल्दी। अरे यार, ये ब्राइटनेस नहीं हो रहा, हो गया। चलो जल्दी जल्दी भागते हैं, लेट हो रहा है, फिर बात करता हूँ मैं। फाइनली वर्कआउट करवा दिया एंड ऑब्वियसली आज बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हुआ था सब, तो इंटरव्यू के टाइम पर भी बोल नहीं पाया, बट अच्छा था आज का वर्कआउट, बहुत अच्छा गया। एनर्जी लेवल इतना हाई था आज, हाई से। एंड अभी फिलहाल हमें जाना है रिजान के इधर, और उससे पहले हमें 2-3 काम करना है, फ़ोन वोन लगाना है जिम में कि आज का होगा कि नहीं पक्का, वहीं पर जाने का कांदे वाली ईस्ट, एंड हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को दूसरे जिम्स फिगर आउट करने पड़ेंगे ट्रैक के लिए। और तो कुछ नहीं, एक तो नेटवर्क आ रहा नहीं, तो वरना मैं सोचा था ऊपर ही कर लूँगा सब, बट वो भी नहीं हो पाया, अभी देखते हैं, आई होप हो जाए। ठीक है यार, ये बहुत दिक्कत देती है पता है, तो चलो जाते हैं। और आज 26 डे ऑफ गोइंग टू जिम, 30 डेज फॉर फ्री है बेसिकली, तो लेट्स जस्ट फन, आज लेग्स मारेंगे हम, लेट्स। जस्ट कॉल पे बात किया मैंने बंदे से, वही गोल्ड जिम वाला, कांदिवली वाला, तो दे सेड कि यस आज हमारा सेकंड ट्रायल है, और आज रिजान भी आने वाला है, तो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, लेट्स गो। चलो अब जाते हैं जल्दी जल्दी। तो फाइनली अभी जिम आ गए, और हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे हम स्क्वाट्स, और कितना सेट लेना है, चार, हाँ चार सेट विद प्लस प्री वेट में भी करेंगे अराउंड 10 रेप्स, और जितना अपना मतलब मैक्स जा सकता है वेट्स पे, एटलीस्ट मतलब 8-12 का रेप रेंज रखेंगे, और फिर स्क्वाट्स मारेंगे, मतलब स्क्वाट्स ही मारेंगे बेसिकली। चलो वो सब ठीक है, शादी के सॉन्ग बज रहे हैं आज। अरे माँ क्या बोलते हैं, और सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग हैमस्ट्रिंग कर्ल ले रहे हैं, बिकॉज एक्सटेंशन खाली मिलता है, तो हम लोग पहले ये मार लेते हैं। तो इसके हम लोग बेसिकली 4 सेट लेने वाले, ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, तो बेसिकली ये लास्ट सेट है, और रेप रेंज 20 का है, जितना मैक्स उतना जा सकता है ये करेंगे, और लाइट वेट में 20 रीच करेंगे जैसे भी। ये लोग तो भाई ग्रिप में डामर में गाते भाई, तेरे को पता है मेरा हाथ छूट नहीं रहा था, थोड़ी देर में मोहित जी मेरा कल क्या हुआ पता, टी शर्ट के साथ ऐसा दे ए भाई, वो दिख रहा है ना, वो देख बैक मारने के लिए ऐसे कर रहा था, देख बैक नहीं रेड हेड्स मार रहा था। हां भाई तो वैसे यहां पे ऐसा देख, ऐसा 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 बन गया था, ऐसा ऐसा बन गया था, एरो बन गया था, एरो इमो एरो बन गया था, ब्लैक वाला बुलाई सुख सुख ब्लैक
तो अभी तो अभी लेग एक्सटेंशन मारने वाले हैं 4-5 sets एंड रेपरेंस जगह 20 का उसको कास्ट भी किया था बट कास्ट का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने बस दो साइड के लिए किया था क्योंकि मेरे को ज़्यादा भी नहीं करना था क्योंकि अभी हम डेड लिफ्ट मार रहे हैं ऑलरेडी मेरे आई थिंक अराउंड 3-4 sets हो चुके हैं और यार फिर से कास्ट करने के लिए लास्ट में पता नहीं इसके बाद भी एनर्जी रहा तो एक और सेट करेंगे लेकिन अभी मारते हैं जल्दी जल्दी डेड लिफ्ट को निकाला ही सेट की इंसेंटिटी इतनी बढ़ गई थी कि ना मारते मारते नाक में से पानी आने लग गया ओ खून दिख रहा नहीं है अच्छा दिखता है नाक के बाल दिख रहे हैं ऐसे तो नहीं दिख सकते काटे तूने अरे भाई एक मिनट रुक क्यों निकल गई हवा ये 25 क्यों 22 ये 22 है कितना है 45 है 22.5 होता है ना अभी मतलब मैंने एटलीस्ट 2 attempt किए तो मेरे को मालूम नहीं था वेट कितना था क्योंकि मैं डाले जा रहा था तो शुरू में जब ट्राई किया मैंने तो 194 कुछ वेट था और मेरे को घंटा जाता ही नहीं होता ना मेरा और आज मैंने कुछ खाया भी नहीं है ऊपर से फिर मैंने और कम किया 15 बोल रहा हूँ अरे नहीं डाल मार रहा फिर कम किया तो 184 हुआ वो भी नहीं जा रहा था तो अभी मैंने 5 डाला हूँ वो निकाल के 10 निकाल के तो अभी 174 समथिंग रहेगा तो अभी होप करते कि चला जाए तो हो जाएगा यार मैं मतलब 2 attempt में जो एनर्जी गया ना मेरा लेकिन ठीक है मेरे को लग रहा है मतलब 2 हफ्ते में एटलीस्ट मैं 190 तो मार पाऊँगा और चल जा 200 जल्दी से रिजान्स डैडी ओ डैडी ओ क्या किया भाई इसने इतना 2 attempt करने के बाद एनर्जी मेरा ड्रॉप हुआ तो 1 rep ही गया लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट लेके और एक और रेप ट्राई करूँ अरे जाना भाई कितना बकचोदी करता है दानिश भाई तो मिले नहीं दानिश भाई अगर जिंदा हो जाए तो आप भी मेरे भाई से बहुत बड़े हो गए होते ठीक है दानिश भाई अगर जिंदा होता तो इसको वाइड एंगल भी पता होता इसको 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 ये जो कैमरा मैन है ये चूतिया अभी ये डिस्कशन हुआ था चूतिया वाला ये उधर वो क्या है वो एयर फ्रेशनर क्या है वो अलार्म है हाँ इधर वो ट्रिगर अलार्म है और ये बंदा बोलता है आ गया दूसरी ठीक है वो देखो मुँह छुपा के भाग रहा है बोलता है वाईफाई इसलिए बड़ी जगह लेके नहीं घूमता चलो 1 more attempt लेट्स गो
अभी तो फिर फाइनली घर पे पहुंच गया और मतलब घर पे इधर ही हम लोग। और तूने रिव्यू नहीं दिया, कितना स्टार देगा तू अगर जिम को आज जो हमें याद में नहीं चला कौन सा जिम गया था। हाँ, 4 स्टार मैं 4.5 स्टार दे रहा हूँ। लोग बोलेंगे जिम में इतना अच्छा एक्ट कर रहा था, अचानक से क्या हो गया, सीधा आउटरो पे ये हाल, जरा प्री वर्कआउट ज्यादा हो गया। अभी डोसा ठोसा जा रहा है ना उसलिए, तो यही है। और रिजाने फोर स्टार दिया और मैंने 4.5 स्टार दिया जैसा कल बोला था। और मोहित की तरफ से मैं देता हूँ 5 स्टार। नहीं, उसने 4.5 दिया। क्यों दिया पता है? क्योंकि लड़की अच्छी नहीं थी। दूर है। छोड़ो, जो भी है और इसी नोट पे आज का ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना एंड क्या से नोटिफिकेशन बेल भी दबाना। इसी के साथ में मैं टॉप करने व्लॉग में।